स्टूडेंट सो टुडे इन दिस पार्ट सेकंड चैप्टर वन नंबर अप टू 10,000 हमने पहले पार्ट में रीड एंड राइट नंबर्स अप टू 10,000 सीखा था। सेकंड टॉपिक हमारा था फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स में हमने नंबर्स को फॉर्म किया था। सो टुडे इन दिस पार्ट सेकंड पार्ट में हम पहला टॉपिक हमारा है रिप्रेजेंटिंग फोर डिजिट नंबर ऑन द एबकस। एबकस में फोर डिजिट नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे और उसको रीड राइट लिखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा आज का प्लेस वैल्यू अप टू 10,000 प्लेस। हम प्लेस वैल्यू चार्ट को भी ड्रॉ करेंगे और प्लेस को समझेंगे कहां तक जाएंगे 10,000 प्लेस तक सीखेंगे। ओके सो स्टूडेंट हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटिंग फोर डिजिट नंबर ऑन द एबकस। सो फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं रिप्रेजेंट 5,234 ऑन द एबकस। हमको इस नंबर को हमको एबकस में रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमको एबकस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखिए पहले प्लेसेस काउंट करेंगे 1, 10, 100, 1000। इट मींस आपके पास 1000 तक का प्लेस है तो हम 1000 प्लेस इट मींस 4 1 2 3 4 तो हम सबसे पहले 4 स्पाइक्स बनाएंगे। ओके स्पाइक्स बनाने के बाद हम उसका नेमिंग करेंगे। फर्स्ट स्पाइक्स हमारा 1 प्लेस का, आफ्टर दैट 10, 100 एंड 1000। हां हमने 4 स्पाइक्स बना लिए हैं। तो अब हम इस नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस एबकस में। तो सबसे पहले हमारा है वंस प्लेस आता है, वंस प्लेस पर आपको दिया है क्या 4, तो हम वंस प्लेस पर हम 4 बीट्स पुट कर देंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी क्या दिया है 4 दिया है वंस प्लेस पे। देखिए फर्स्ट बीट फर्स्ट हमारा सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। देखिए 4 बीट हमको रिप्रेजेंट करना। सो हमने वंस प्लेस पर 4 डिजिट था तो हमने 4 बीट्स हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम टेंस प्लेस पर जाएंगे। टेंस प्लेस पर गिवन नंबर है 3, सो हम टेंस जो स्पाइक्स पे हम कितनी बीट्स बनाएंगे 3, 1, 2 एंड 3। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्लेस आपका क्या 1, 10, 100 प्लेस पर आपका गिवन नंबर डिजिट है आपका 2, तो 100 प्लेस पर हम 2 बीट्स बनाएंगे 1 एंड 2। लास्ट प्लेस हमारा है 1000 प्लेस पर हमको गिवन डिजिट है 5, सो हम 1000 प्लेस पर कितनी 5 बीट्स हम रिप्रेजेंट करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके सो नाउ हमने इस नंबर को हमने एबकस में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। हाँ ये नंबर्स को हमने रिप्रेजेंट किया तो हम राइट करेंगे हमारा 5,234। इसी नंबर को इस नंबर को हमने क्या करा एबकस में रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम इस नंबर को हम वर्ड में लिखेंगे तो रीड करते लेट अस रीड 1, 10, 100,000। सो हमारा है 5,000 234। सो हमने इस नंबर को वर्ड में राइट कर लिया है। ओके सो आप 34। ओके सो इस तरह हमको इस हमने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दिया। ओके सो कीप प्रैक्टिस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ओके स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, पहले हमने रिप्रेजेंट कर लिया नंबर्स को एबकस में, अब हमको ये करना है कि रीड द एबकस। अब आपको एबकस ऑलरेडी दिया हुआ है उसको हमको रीड करना है। रीड करने के बाद जो डिजिट हमको मिलेगा या न्यूमरल जो मिलेगा हम यहाँ बॉक्स में राइट करेंगे और उसको वाइट में भी राइट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है रीड द एबकस, इस एबकस को रीड करना है। तो कैसे करेंगे, हाउ टू रीड द एबकस, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको प्लेस वंस पे जाना है, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड। सबसे पहले आप वंस प्लेस पर जाएंगे और वंस प्लेस पर आप नंबर्स को रीड करेंगे। देखिए पहले तो सबसे पहले आपको देखना है कि वंस प्लेस के स्पाइक। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको वंस प्लेस से रीड करेंगे। देखिए वंस प्लेस पर आपको देखना है कि स्पाइक्स हाउ मेनी स्पाइक्स आर गिवन इन वंस प्लेस। देखिए तो कितनी स्पाइक्स है, देखिए 1, 2, 3 स्पाइक्स है
तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे आपका 3। सपोज हम यहाँ भी राइट कर सकते बच्चा, ये हमारा आंसर इस पर 3 आ गया। ओके नाउ नेक्स्ट हम अब जाएंगे टेंस स्पेस पर। तो टेंस स्पेस पर कितनी स्पाइक्स हैं काउंट करते हैं, लेट अस काउंट 1 2 3 4 5। ओके 5 तो हमको सेकेंड डिजिट हमको टेंस स्पेस का मिल गया है 5। नाउ नेक्स्ट प्लेस पर चलते हैं 100 प्लेस। सो लेट अस रीड, हम रीड करते हैं। देखिए 1 2 3 4 यहाँ पर 4 आपको बीट्स दिया है, तो हम यहाँ राइट करेंगे 4। ओके सो हमारा 100 प्लेस का डिजिट मिल गया है 4। नाउ 1000 प्लेस देखिए, लेट अस रीड 1 2, देयर आर 2 बीट्स ना 1000 प्लेस, तो हम 2 राइट करेंगे। सो हमारा 1000 प्लेस पर हमको 2 मिल गया। देखिए बच्चा अब हम रीड करते हैं नंबर्स के, हमको नंबर्स क्या मिला। देखिए लेट अस रीड 1 100,000 2,453। ओके सो फाइव में हमारा हो गया 2,453। ओके सो आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ये चीज याद रखना है कि हमारे स्पाइक्स में मैक्सिमम बीट कितनी हो सकती है 9, मिनिमम बीट्स हो सकती हैं 0। इट मीन्स यहाँ पर कोई भी बीट नहीं होगी तो आपको 0 राइट करना है इस पर, और मैक्सिमम बीट कितनी हो सकती है 9। ओके ओके सो कीप प्रैक्टिस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक स्टूडेंट। सो व्हाट वी लर्न इन टुडे टॉपिक्स, हमने आज के टॉपिक पार्ट 2 में हमने क्या सीखा, हमने सीखा रिप्रेजेंटिंग 4 डिजिट नंबर ऑन द एबेकस, 4 डिजिट नंबर को एबेकस में रिप्रेजेंट करना और उसको रीड करना सीखा। तो मैंने एक एग्जांपल बनाया आपको कि आपने क्या सीखा। देखिए ये आपको हमको एबेकस दिया था, उसको कैसे रीड करते हैं मैंने आपको बताया था, हम बीट्स काउंट करेंगे। तो हमने बीट्स काउंट करी 1 2 3, तो 1 स्पेस पर आपको 3 बीट्स हैं। आफ्टर दैट 10 स्पेस पर आपके कितने बीट्स हैं, 4 बीट्स हैं, हमने 4 राइट किया। 100 प्लेस पर कितने बीट्स हैं बच्चा, 3 बीट्स, मतलब 3 बीट्स है, 3 बीट्स हमने राइट किया। सिमिलरली 1000 प्लेस पर 1 2 3 4 5, सो हमने 5 राइट कर दिए। अब हमको डिजिट मिल गया है तो हम इसको रीड करते हैं। देखिए 1 stands 100,000, सो ये क्या हो गया 5343। ओके सो कीप प्रैक्टिस ऑन दिस पर्टिकुलर गिवन पर्टिकुलर टॉपिक।